मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है, बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह इलाहाबाद शहर की। इलाहाबाद शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लोग रहते थे। 5 लोग में मम्मी पापा, 2 बेटे और बेटी शालिनी। शालिनी अभी 12th में पढ़ रही थी। 2 भाइयों की शादी पहले ही हो चुकी थी। जो शालिनी के पापा थे उनके एक जानने वाले थे, क्योंकि शालिनी बहुत सुंदर थी इसी वजह से उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। लेकिन शालिनी के पापा भी कहते थे अभी तो हमें इसे बहुत पढ़ाना है, उसका पैरों पर खड़ा करना है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा आया कि वह जिद पर अड़ गए कि हम तुम्हारी शालिनी को शादी के बाद भी पढ़ा लेंगे और हमें शादी करानी है तो अपने बेटे की शालिनी से करानी है, ऐसे करके जिद करने लगे। फिर शालिनी के पापा सोचते हैं चलो अभी रिश्ता मिल रहा है तो कर देते हैं। अब ये फिर दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हम पढ़ा देंगे तो हो सकता है हमारी बेटी को ये आगे ससुराल में ही पढ़ा देंगे। इसीलिए वह उन्होंने ये कहा चलो ठीक है आप रिश्ते के लिए आ जाओ हमारे घर में, और उन्होंने उनको बुला लिया। जब वह रिश्ते के लिए आते हैं तो शालिनी को पसंद कर लेते क्योंकि शालिनी बहुत खूबसूरत थी। एक ही बार में उनको पसंद कर लिया। लड़के ने तो पहले नहीं देखा था लेकिन वो जो जानने वाले थे उन्होंने पहले ही देखा हुआ था, इसी वजह से अपने लड़के के लिए शालिनी का हाथ मांग रहे थे। शालिनी को जो लड़का देखना आया था उसका नाम गोपाल था। गोपाल भी बहुत सुंदर था, पढ़ा लिखा था, होनहार था, बहुत गुणी था, और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार शालिनी को देखने के लिए आया था। उसकी सास ससुर, नंद, जिठानी और जेठ, पूरा परिवार आया था शालिनी को देखने के लिए। सब ने शालिनी को पसंद कर लिया और सास ने तो वादा किया था शालिनी के मम्मी पापा से कि हम तुम्हारी बेटी को आगे जरूर पढ़ाएंगे, इसलिए हम तुम्हारी बेटी को हाथ मांग रहे हैं कि शादी के बाद भी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन इसी वजह से शालिनी के मम्मी पापा राजी हो गए क्योंकि उसकी सास ने वादा किया था कि हम तुम्हारी बेटी को पैरों पर खड़ा करेंगे और आगे पढ़ाएंगे, और शादी तय हो जाती है। और शादी तय होने के बाद शादी धूमधाम से हो जाती है। शालिनी अपने ससुराल चली जाती है, वहाँ जाके बहुत अच्छे से काम करना सब कुछ करती है और सबका दिल जीत लेती है, बहुत अच्छा व्यवहार करती है। शालिनी का बहुत अच्छा नेचर था। सास ससुर भी बहुत अच्छे थे, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। पति तो बहुत ही अच्छा था, शालिनी को बहुत प्यार करता था। जब शादी को काफ़ी दिन बीत जाते हैं शालिनी एक दिन अपनी सास से कहती है मम्मी जी मुझे फॉर्म भरना है, मुझे आगे पढ़ना है ना, आपने कहा था आप पढ़ाओगे मुझे। तो उसकी सास कहने लगती है क्या करोगी पढ़ के, पैरों पर खड़ो के क्या करोगी, घर पे ही तो रहना, चूल्हा ही तो संभालना है, और घर का काम कौन करेगा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा, टिफिन कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, ऐसे करके वह अपनी बहू को डांट देती। उसकी बहू कहने लगी मम्मी जी मैं सारा काम संभाल लूँगी, पढ़ाई भी करूँगी और घर का काम भी सारा संभाल लूँगी, और आप ही ने तो कहा था कि शादी के बाद अब मेरी पढ़ाई जारी रखोगे। तो इतने में उसकी सास उसे बोलने लगती है तुम मुझसे जवान चला रही है। तो शालिनी कहती है मम्मी जी मैं जवान नहीं चला रही हूँ, सिर्फ आपको अपनी बात याद दिला रही हूँ, ऐसे कहते ही उसकी सास उस पर हाथ उठा देती है। और इतने में उसका पति सागर आ जाता है और ये सब बातें देख लेता है। जैसे सागर आता है उसकी सास नाटक करने लगती है तू मुझसे जवान चला रही है और तू मुझे ऐसे बोल रही है, तू ऐसे बोल रही है, नाटक करने लगती है जैसे शालिनी ने उसे सब कुछ बोला हो और हाथ भी शालिनी ने उठाया हो, ऐसे करके सागर चुपचाप देखता है। लेकिन सागर को अपनी मम्मी की आदत का पता था, वह कुछ नहीं कहता और शालिनी को चुपचाप अपने कमरे में ले जाता है। जब कमरे में ले जाता है सागर शालिनी को तो वहाँ ले जाने के बाद वह कहता तुम कुछ मत कहो मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया, सागर कहता, और मम्मी ने तुम्हारे पर हाथ उठाया और तुम्हारा ही नाम लगा रही थी, मुझे सब पता है, तुम मुझे कुछ मत कहो। और एक बात और तुमसे कहता हूँ, तुम्हें यदि फॉर्म भरना था तो मुझसे कहती, तुमने मम्मी से क्यों कहा। तो शालिनी कहने लगी मुझे क्या पता तुम्हारी मम्मी का नेचर ऐसा है, वादा करके मुकर जाएंगी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि मम्मी जी मुझे फॉर्म भरना है, मुझे नहीं पता कि मम्मी आगे मुझे पढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि वह तो मेरी मम्मी पापा से वादा करके आई थी कि शादी के बाद तुम्हारी बेटी को पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने मम्मी जी से पूछा था। तो सागर कहने लगा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फॉर्म भरवाऊँगा, पढ़ाऊँगा भी, लिखाऊँगा, अपने पैरों पर भी खड़ा कराऊँगा, और मैं तुम्हें फॉर्म भराने के बाद चुपचाप पेपर देने के लिए किसी बहाने से ले जाऊँगा और तुम्हें पैरों पर खड़ा करूँगा। शालिनी को बहुत गर्व होता अपने पति पे, कितना अच्छा पति है, मुझे कितना प्यार करता है और मेरी भावनाओं को भी समझता है और अपनी मम्मी की भी कदर करता है, मम्मी को भी कुछ नहीं बोला, उसे अपने पति पे गर्व होने लगा था।
एक दिन क्या होता है, सागर जब ऑफिस चला जाता है तो शालिनी किचन में काम कर देती है। इतने में उसके सास आके बोलने लगती है कि तुझे ये मुझे कह रही थी कि आप ही ने कहा था मैं तुझे पढ़ूंगी, तो एक बात और सोच, तेरे बाप ने भी तो मुझे ये कहा था ना कि अपनी बेटी की शादी में सब कुछ देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, हमारी इकलौती बेटी है, कौन से तेरे बाप ने गाड़ी घोड़े दिए, गाड़ी भी तो नहीं दी, यदि गाड़ी देती वह अपने वादे पे मुकर ना जाते तो मैं भी अपने वादे से ना मुकरती, तुझे पढ़ाती लिखाती, तेरे बाप ने भी तो दहेज में गाड़ी वाड़ी नहीं दी तो मैं तुझे क्यों पढ़ाऊँ, मैं क्यों वादा पूरा करूँ, तेरे बाप ने ये पूरा नहीं किया। इतने में शालिनी बोलती है, मेरे पापा ने तो गाड़ी के लिए नहीं बोला था। तो सास बोल पड़ती है, गाड़ी के लिए नहीं बोला था, ये तो बोला था कि सारी चीज़ दूंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। ऐसे करके दोनों बहस होती है और सागर फिर आ जाता है, फिर सुन लेता है ये सारी बातें और फिर उसको शालिनी को बोलता है तुम बिना बात में क्यों मम्मी से बहस कर रहे हो, और उसको कमरे में फिर से ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद शालिनी को समझाता कि तुम मम्मी से बहस मत क्या करो, मम्मी का नेचर बिल्कुल अलग है, तुम उससे बिना मतलब बहस करोगे रोज घर में कलेश होगा, इसलिए तुम उनसे कुछ मत बोला करो, वह यदि कुछ कहती है तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, मैं तो हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ ना, जो तुम कहती हो मैं करता हूँ ना, फिर तुम्हें किस चीज़ की कमी करता हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं करता, जो तुम कहती हो वही करता हूँ, तो इसलिए मम्मी से कोई बात मत क्या करो, यदि वह कुछ कहती है तो चुपचाप सुन लिया करो। तो शालिनी कहती है ठीक है मैं आगे से ऐसा ही करूँगी। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि हम किसी की बेटी को वादा करके लाते हैं कि हम तुम्हारी लड़की को पढ़ाएंगे तो वादा पूरा करना चाहिए ना। अभी ट्वेल्थ की पढ़ाई होती ही क्या, सिर्फ शालिनी ने ट्वेल्थ की पढ़ाई की थी और उसके मम्मी पापा उसको पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की थी कि हम तुम्हारी बेटी को पढ़ाएंगे, और उन्होंने वहाँ ले जाने के बाद उसकी सास एकदम मुकर गई, लेकिन वो तो उसका पति अच्छा था जो उसके साथ था इसलिए वह जीत गई थी, यदि उसका पति भी अच्छा ना होता तो उसके तो अरमान वहीं मर जाते। इसलिए मैं दोस्तों सबसे यह कहना चाहती हूँ, और दान दहेज की बात कर रही थी, गाड़ी दो इतना सामान नहीं दिया, क्या गाड़ी देना ज़रूरी है, यदि उसके मम्मी पापा गाड़ी देते तभी उसको पढ़ाती आगे, क्या अपनी जवान की कोई वैल्यू नहीं होती, जो इतने सारे लोगों के बीच में वादा करके आई थी कि मैं तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और बड़ा आदमी बनाऊंगी अपने पैरों पर खड़ा करूंगी, ये बातें भूल गई थी, इतने बड़े इंसान होने के बाद इतनी उम्र होने के बाद इतना झूठ बोलना क्या सही है। और एक बात मैं सबसे कहना चाहती हूँ, किसी भी लड़की की शादी होती है तो वह ससुराल जाती है, यदि ससुराल वाले अच्छे ना हो और पति अच्छा तो ज़िंदगी आसानी से कट जाती है, और यदि शादी के बाद पति अच्छा ना हो, पति तंग करता हो और पूरे ससुराल वाले बहू का साथ दे और उसके साथ रहे तो ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती, क्योंकि जिससे वह शादी करके गई है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उसका पति का उसके लिए साथ देना बहुत ज़रूरी है, यदि पति साथ रहेगा तो ससुराल वाले यदि तंग करते हैं तो भी वह आसानी से ज़िंदगी गुजार लेगी, लेकिन यदि पति अच्छा ना हो तो ज़िंदगी काटने में बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे शालिनी के साथ हुआ, शालिनी की सास बहुत तंग करती थी उसको, हाथ तक उठाती थी, लेकिन उसका पति उसका साथ देता था इसलिए उसे अपने दुख का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका पति उसे बहुत प्यार करता था, उसकी भावना को समझता था, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार ली थी। इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, किसी भी लड़की की शादी हो तो उसका पति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बस मैं अंत में सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि कोई लड़की शादी के बाद पढ़ना चाहे तो उसे ज़रूर पढ़ाए, क्योंकि ये नहीं कि शादी हो गई तो घर का काम ही काम है, यदि लड़की की इच्छा हो तो घर के काम के साथ भी पढ़ाई की जा सकती है, किचन के साथ भी पढ़ाई की जा सकती है, बस मन में भावना होनी चाहिए। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, शादी के बाद ज़रूर पढ़ाई यदि कोई पढ़ना चाहे तो। बस मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है। बस मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए नमस्कार, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।